कोरोना की मार आईपीएल पर भी पड़ गई है। कोलकाता और चेन्नई के बाद हैदराबाद और दिल्ली के सदस्यों के संक्रमित पाए जाने के बाद बीसीसीआई और आईपीएल संचालन परिषद ने लीग को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। हालांकि मंगलवार सुबह से ही लीग के अगले सभी मैच मुंबई में कराए जाने की चर्चा हो रही थी, लेकिन सनराइजर्स के साहा के संक्रमित होने पर इसे स्थगित करने में ही भलाई समझी गई। फिलहाल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से इंडियन प्रीमियर लीग के स्थगन की बात कही गई है, लेकिन उसमें ये खुलासा नहीं किया गया है कि आगे ये टूर्नामेंट कब आयोजित किया जाएगा। अगर आईपीएल नहीं होता है तो बीसीसीआई को 2 से 2.5 हज़ार करोड़ की चपत लगेगी। बीसीसीआई के एक अधिकारी की माने तो आईपीएल का आगे का आयोजन नहीं होना उसके लिए बहुत बड़ा आर्थिक झटका भी है। लीग के संपूर्ण आयोजन में बोर्ड को लगभग 4 हज़ार करोड़ की आय होनी थी। इससे फ्रेंचाइजी टीमों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि अब तक लीग के 29 मैच ही आयोजित किए गए हैं, कुल 31 मैचों का आयोजन होना अभी बाकी है। ऐसे में उसे 29 मैचों के हिसाब से ही रकम मिलेगी।